नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 का इंतजार कर रहे हो तो यहां पर आपके लिए बड़ी और अच्छी कुछ खबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा 5846 पदों पर एक नया रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी रखी गई। इसके साथ में बड़ी कुछ खबरी यह है कि यहां पर 1 तारीख से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी किया गया और बताया गया है कि 1 तारीख से जो आपकी एसएससी की ऑफिशियल साइट है उससे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, पहले ही जो एसएससी ने बता दिया है कि यहां पर दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 का जो एग्जाम है वो नवंबर में करवाया जाएगा और एग्जाम भी आपका 5 से 7 डेट को एग्जाम होने वाला है। यहां पर दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे कि अलग अलग आपकी मेल और फीमेल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ही यहां पर एज क्रिटेरिया कितना है, साथ में यहां पर बात करें तो फिजिकल प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न में क्या क्या आपके सिलेबस के हिसाब से आने वाला, इस बार जो बड़ा बदलाव सिलेबस में किया गया है उसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही दोस्तों बड़ी बात दोस्तों ये कि कौन से युवा है जो इस बार दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, आपके पास में लाइसेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, साथ ही यहां पर आपके ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बड़ी खबरें आपको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला, अगर ये डॉक्यूमेंट में आपको बताने वाला आपके पास नहीं है तो आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाओगे। दोस्तों मैं बता देता हूं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और गृह मंत्रालय ही इसे जारी करता है। दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसीज होती है, इसकी जो मेरिट बनती है वो ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पे आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि एसएससी जीडी में स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलती होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस में आपका एग्जाम एसएससी लेगी लेकिन आपकी वैकेंसी होगी वो ऑल इंडिया लेवल के आधार पर होगी। चाहे वो किसी भी राज्य से किसी भी जगह से बिलोंग करता हो वो इस भर्ती के लिए इलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम डिटेल से बात करने वाले, वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 का इंतजार कर रहे हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 1 तारीख से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और उसके लिए आपके लाइसेंस और ओबीसी एससी एसटी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले। कौन कौन से युवा इस भर्ती के लिए इलिजिबल होंगे, फॉर्म भर सकते, कौन से युवा है जो जिनकी एज होते हुए भी वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब उनका रिजेक्ट होने वाला है, तो डिटेल से सारी बात करें। साथ ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दें, क्योंकि कल 1 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऑफिशियली साइट और ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, ऑफिशियली साइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप पूरी डिटेल से देख सकते हो। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने के लिए हम आपको इस साइट पे लेके आए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक अलग से आपको ऑप्शन मिल जाएगा दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने दिल्ली पुलिस का एक बड़ा पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें डिटेल से सारी चीजें बताई गई। सबसे पहले अगर यहां पर बात करें तो दोस्तों ऑफिशियल साइट का लिंक भी यहां पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते। दोस्तों यहां पर दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं यहां पे आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं। जैसा कि ये हमारे पास में डाउनलोड हो रहा है, यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं आपको डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो पूरी वैकेंसीज के बारे में, आपकी एग्जाम डेट तक भी यहां पर आपको मिल जाएगी। कल देर रात को एक और नया नोटिस आपका जारी किया गया जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट दी गई। उससे पहले मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो इस बार आपके बड़ी और बंपर पदों पर भर्ती आई है। अगर ऑल ओवर बात करें तो कांस्टेबल मेल कैंडिडेटों की 3433 पदों पर यहां पर भर्ती होगी, जबकि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 226 पद है, जबकि एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात करें तो 243 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कमांडो की यहां पर रखी गई है।
टोटल मेल कैंडिडेट की आपके वैकेंसी 3902 है, जबकि यहाँ पर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कांस्टेबल फीमेल की यहाँ पर 1944 वैकेंसी है, जबकि टोटल 5846 वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों को मिला के। अब मैं दोस्तों आपको एग्जाम डेट भी आपको बता देता हूँ, जैसा कि SSC की ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ चुका है जिसमें एग्जाम डेट भी दिए रखी है, साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जिसमें साफ साफ लिखा गया कि कल से यहां पर SSC की ऑफिशियल साइट पे रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वो नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 30 तारीख को ही ये नोटिस जारी किया गया, इसी 30 तारीख को 30 जुलाई को ये नोटिस है दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 थ्रोंग SSC के द्वारा जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी एग्जाम, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल की बात करें तो रिक्रूटमेंट, ये आपका रिक्रूटमेंट IM2 स्टेट दैट नोटिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टेबल मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 1/8/2020। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट जो न्यूज है एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें ये पब्लिश कर दी जाएगी और ये सब आपका होने वाला है SSC की ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के ये साइन है और 30 तारीख का ये नोटिस आपका जारी किया गया है। अब दोस्तों आपको वो नोटिस भी दिखा देता हूँ जिसमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट भी यहाँ पर बता दी गई है SSC के द्वारा। तो दोस्तों इसी साइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आने वाला है। यहाँ पर आपको SSC ऑफिशियल साइट, जी हाँ दोस्तों ये लिंक मिलेगा, आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ऑफिशियल साइट का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बड़ी खबर, रिवाइज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने नया नोटिस है वो ओपन होके आ जाएगा। तो ये नोटिस हमारे सामने दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा SSC के द्वारा ऑफिशियली डेट भी एग्जाम को लेकर जारी कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 और आपका एग्जाम 27 नवंबर से शुरू होगा, फिर आपका 30 नवंबर को होगा, उसके बाद में 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर से 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपके एग्जाम भी इस बार बहुत ही जल्द होने वाले। अब बड़ी बात दोस्तों, बड़ी व महत्वपूर्ण बात कर लेते जिसमें कि क्या लाइसेंस अनिवार्य है। लाइसेंस अगर अनिवार्य है तो कौन सा लाइसेंस मेल और फीमेल में किसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है, नहीं आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और कितना पुराना लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, हाइट क्रिटेरिया कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, जैसा कि आपको उसी साइड पे लेके चलते हैं जहां पर आपको पूरी चीजें मेंशन मिलेगी। जैसा कि कम से कम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 80 से 85 होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो 100 नंबर का होगा, रिटर्न एग्जाम पास करने वालों का फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लाइसेंस की क्या अनिवार्यताएं जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ लाइसेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर LMV, जी हाँ दोस्तों, लोकल मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए लागू है, फीमेल के पास में अगर लाइसेंस नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन मेल कैंडिडेट के पास में लाइसेंस होना चाहिए। अब बड़ी बात, जब आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे उस समय अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करोगे तो उसके आपके नंबर मिल जाएंगे, वो नंबर होना जरूरी है। अगर आपके लाइसेंस के आने में अभी 1 महीना या 2 महीना लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइसेंस के लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड आपने कर दिया है तो उसके जो नंबर होंगे उनसे आपका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाओगे। और बड़ी खबर दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट से पहले पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके लाइसेंस का, नहीं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर 12वीं पास वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस में इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई यहाँ पे नहीं रोक सकता। 60 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि 60 जीएस के अलावा 40 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, जिसमें आपके मैथ और मैथ के साथ ही दोस्तों आपकी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही बड़ा बदलाव इस बार सिलेबस में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें पूरी, तो दोस्तों इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पहले वाली भर्ती प्रक्रिया से एकदम अलग आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस बार सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट ही होने वाला है और रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेटों को ही फिजिकल में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा देखी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों इसका ऑफिशियली लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन खुद भी देख सकते हो। साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दे। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।